नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो के बारे में। तो दोस्तों, सर्कुलर फ्लो एक्चुअली होता क्या है और इसमें कौन कौन से फ्लो को इंक्लूडेड किया जाता है, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर विच इज टेकिंग प्लेस अमंग द फोर different sector of economy, and in every economy people perform three main activities, जैसे कि production activity, exchange of a goods and service, consumption activity। दोस्तों, generally क्या होता है कि economy में तीन type की activity को ध्यान में लिया जाता है और बहुत ही बार perform भी किया जाता है, जिसमें से first है हमारी production activities, उसके साथ साथ exchange of a goods and service, goods and service को exchange करते हैं, और बाद में जब हमने एक्सचेंज कर लिया, दैट इज परचेस कर लिया या तो फिर सेल कर लिया, अगर परचेस किया है गुड्स तो उसको कंज्यूम करते हैं। ये तीन एक्टिविटी बहुत ही ध्यान में आती है और इसके बेसिस पे इनकम और एक्सपेंडिचर का जो फ्लो है वो कंटिन्यूअसली चलता ही जाता है और इकोनॉमिक में यही फ्लो को स्टडी किया जाता है। और यही एक्टिविटी को ध्यान में रखते वहां पे दो तरीके के फ्लो दिखाई देते हैं, जिसमें से फर्स्ट है हमारा रियल फ्लो और दूसरा है हमारा मनी फ्लो। तो चलिए जल्दी से इन दोनों फ्लो के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जिसमें से फर्स्ट है हमारा रियल फ्लो, तो रियल फ्लो में क्या क्या आता है? तो द रियल फ्लो रिफर द प्रोडक्ट फ्लो एंड फैक्टर फ्लो। रियल फ्लो में दो चीजें ध्यान में ली जाती है, एक तो है हमारा प्रोडक्ट फ्लो और दूसरा है हमारा फैक्टर फ्लो। अभी प्रोडक्ट फ्लो और फैक्टर फ्लो क्या होता है वो आपका क्वेश्चन होगा ही होगा। चलिए वो मैं बताती हूँ कि प्रोडक्ट फ्लो और फैक्टर फ्लो क्या होता है। तो देखिए, इन अदर वर्ड द रियल फ्लो इंक्लूडेड फ्लो ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस एंड फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अभी थोड़ा समझ में आया? देखिए, प्रोडक्ट फ्लो मतलब जहां पे प्रोडक्ट की बात की है, गुड्स एंड सर्विस की, तो पहला क्या हुआ? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। दूसरा है यहाँ पे हमारा वर्ड फैक्टर। वर्ड में बहुत कुछ छुपा है दोस्तों। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे कौन कौन से है? दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इस फैक्टर फ्लो में बात की है। देखिए, इन प्रोडक्ट फ्लो देयर इज अ फ्लो ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। दैट मीन्स प्रोडक्ट फ्लो में हम लोग किसकी बात करते हैं? गुड्स एंड सर्विस की बात करते हैं। हालांकि वो फर्म किसको देती है? हाउस होल्ड को। दैट मीन्स फर्म जो होती है वो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करती है और बाद में वो हाउस होल्ड को देती है। उसके साथ साथ दूसरा फ्लो है हमारा फैक्टर फ्लो। फैक्टर फ्लो में किसकी बात की है? तो फैक्टर फ्लो ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम, जहां पे फैक्टर फ्लो में फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये हमारे फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो हाउस होल्ड किसको देता है? फर्म को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ओनर है तो कैपिटल लेके आया होगा बिजनेस में, वैसे ही सेम लैंड यूज होगी बिजनेस में, साथ में लेबर वर्कर ने बिजनेस के लिए काम किया होगा, तो ये सारे हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो फर्म को किसने दिए? तो भाई हाउस होल्ड ने दिए, ओनर ने दिए। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो कौन देता है? हाउस होल्ड फर्म को देती है। तो चलिए दोस्तों, इसके डायग्राम को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बात कर रहे हैं? रियल फ्लो की। अभी जैसा कि मैंने बताया, दो चीजें यहाँ पे, फर्स्ट होगा फैक्टर सर्विस, दैट इज फैक्टर फ्लो, और दूसरा है गुड्स एंड सर्विस। तो वो दोनों चीजें कौन किसको देता है? तो हाउस होल्ड है वो फर्म को और फर्म है वो हाउस होल्ड को देती है। तो यहाँ पे दो चीजें आई, वो है फर्स्ट हाउस होल्ड और दूसरा है हमारा फर्म। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउस होल्ड जो है वो फर्म को दे क्या देगी भाई? तो भाई हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से फैक्टर सर्विस? तो भाई जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। उसके साथ साथ फर्म ने ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके, अच्छे से यूटिलाइज करके क्या प्रोडक्शन किया? गुड्स एंड सर्विस का। ये हो गया हमारा रियल फ्लो का डायग्राम। सिंपल है ना?
तो दोस्तों जल्दी से आप भी अपनी नोटबुक में इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए ताकि अच्छे से ये डायग्राम आपको क्लियर हो जाए। उसके साथ साथ दूसरा फ्लो जो हमारा था दैट इज मनी फ्लो। अभी मनी फ्लो में क्या क्या आता है तो देखिए, मनी फ्लो रिफर टू द फ्लो ऑफ इनकम एंड फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर। मनी फ्लो में दो चीजें ध्यान में रखी जाती है, दो चीजें को ध्यान में लिया जाता है, वो है फ्लो ऑफ इनकम और दूसरा है फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर को। अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्लो क्या होता है चलिए वो बताती हूं। तो देखिए, इन इनकम फ्लो हाउसहोल्ड गेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द फर्म एज दे आर कॉन्ट्रीब्यूटेड इन प्रोडक्शन एंड इन एक्सपेंडिचर द हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय फर्म। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनकम फ्लो और एक्सपेंडिचर फ्लो में हाउस होल्ड ने जो भी इनकम हुई है और हाउस होल्ड को जो भी एक्सपेंसेस हुआ है उस चीजों को ध्यान में लिया जाता है। तो पहले क्या बताया है, तो भाई जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड ने फर्म को दिए थे, हाउस होल्ड ने फर्म को जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए थे उसके थ्रू फर्म ने क्या किया कि भाई वो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज किया और रिटर्न में फर्म ने क्या किया कि भाई रिटर्न में फर्म ने वो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज किया, उसका फर्म को, फर्म ने हाउस होल्ड को पेमेंट किया। लेकिन यहाँ पे जब हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विस जो फर्म ने बनाए थे वो गुड्स एंड सर्विस का परचेस किया, कंजम्पशन किया, तो हाउस होल्ड ने क्या किया, हाउस होल्ड ने वो गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम किया, उसको परचेस किया, इसीलिए हाउस होल्ड भी क्या करेगा, फर्म को पेमेंट करेगा और वो हाउस होल्ड के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल एक्सपेंसेस हो जाएगा, राइट? तो देखिए यहाँ पे इनकम फ्लो में हाउस होल्ड के लिए जितनी भी इनकम और मनी फ्लो में हाउस होल्ड के लिए जितनी भी इनकम और एक्सपेंस हुए है उसको ध्यान में लिया जाता है। तो चलिए पहले मनी फ्लो का डायग्राम ड्रॉ कर ले। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ करेंगे मनी फ्लो, यहां पे दो, फर्स्ट है फर्स्ट हमारा हाउस होल्ड और दूसरा है हमारा फर्म। तो यहां पे पहले तो हाउस होल्ड जो है वो फर्म को देगी फैक्टर सर्विस और रिटर्न में फर्म उनको क्या करेगा, पेमेंट। क्लियर हुआ यहां तक? तो ये जो पेमेंट है वो हाउस होल्ड के लिए क्या हो जाएगी, इनकम। वैसे ही सेम फर्म जो है वो गुड्स एंड सर्विस जो है वो हाउस होल्ड को सेल करेगी, तब हाउस होल्ड उनके लिए क्या करेगा भाई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो वो हाउस होल्ड के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा। ये पेमेंट जो है वो हाउस होल्ड के लिए इनकम हो जाएगी और ये हो जाएगा हाउस होल्ड के लिए एक्सपेंसेस। दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है कि हाउस होल्ड जो होता है वो फर्म को फैक्टर सर्विस देता है, दैट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि भाई फैक्टर सर्विस के रिटर्न में इनकम किसके फर्म पे मिलती है, तो देखिए लैंड के रिटर्न में रेंट जैसा मिलता है, वैसे ही लेबर वर्कर ने अगर काम किया है तो लेबर वर्कर को उनके काम के बदले में क्या मिलेगा, वेजेस मिलेंगे, राइट? उसके साथ साथ कैपिटल है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर है उनको बिजनेस से, फर्म से क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। सो बेसिकली यहां पे फर्म क्या करेगी, हाउस होल्ड को पेमेंट करेगी। देखिए लास्ट में इससे कंक्लूजन क्या निकला भाई, उससे हमें तो मतलब है। तो देखिए कंक्लूजन में हमें क्या बताया है, देयर इज अ कॉन्स्टेंट इंटरसेक्शन अमोंग द डिफरेंट सेक्टर, दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के बीच कॉन्स्टेंटली ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं और सो देयर आर द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सो इसी की वजह से इनकम और एक्सपेंडिचर का फ्लो है वो कंटिन्यूअसली राउंड एंड राउंड घूमता ही जाता है। एंड द इनकम फ्लो एंड एक्सपेंडिचर फ्लो आर द सर्क्यूलर फ्लो। क्यों सर्क्यूलर फ्लो में, तो फर्स्ट हाउस होल्ड के लिए जो एक्सपेंस होगा फर्म के लिए वो इनकम होगी और फर्म के लिए जो इनकम है वो हाउस होल्ड के लिए एक्सपेंस होगा। तो यहाँ पे दोनों का सर्कल राउंड एंड राउंड में ही है, दैट इज सर्क्यूलर फ्लो में है। तो इसी की वजह से इसको क्या बोला जाता है, सर्क्यूलर फ्लो बोला जाता है। और इवन यहाँ पे हमें क्या बताया है, सो इट इज कॉल्ड एज सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि वो एक के लिए इनकम है तो दूसरे के लिए वो एक्सपेंस है,
दूसरे के लिए एक्सपेंस है तो एक के लिए वो इनकम है। सो इसी की वजह से ये क्या हो गया, इनकम और एक्सपेंसेस का सर्कुलर फ्लो। एंड द रियल फ्लो एंड मनी फ्लो बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स दोनों ही एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। एक हाउस होल्ड टू फर्म है तो दूसरा फर्म टू हाउस होल्ड है। क्लियर हुआ यहां तक? सो यहां पे हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप आपको क्लिस्टर क्लियर हुआ होगा। सो ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे और साहस मात स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि कॉन्सेप्चुअली आप सारा लर्निंग कर पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।